मेरी वीडियो डायरेक्ट पाने के लिए सब्सक्राइब ऑप्शन पर क्लिक करें और मेरे साथ अपडेट रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सबका मेरे इस चैनल में रुद्राक्ष की सीरीज में। आज हम बात करेंगे इसके बारे में, तीन मुख्य रुद्राक्ष चैप्टर नंबर 134। दोस्तों क्या है इसके बारे में, क्यों ये धारण किया जाता है, जैसे मैं हम अभी जो सीरीज है उसके अंदर लगभग सभी रुद्राक्ष के बारे में पूरी तरह से जानकारी कर लेंगे। सबके लिए एक सेपरेट वीडियो होगा जिससे आपको पता चल जाएगा। फिर भी अगर इसके लिए एक टैगलाइन देनी हो तो ये दी जा सकती है, अग्नि स्वरूप तेज की प्राप्ति, मंगल व हनुमान जी का साक्षात आशीर्वाद। दोस्तों क्या है इसके बारे में पूरी डिटेल, तो हमने जैसा पिछले वीडियो में जाना था वैसी ही सारी डिटेल आपको इस वीडियो के अंदर उसी तरीके से यहां मिलेगी। तो सबसे पहला पॉइंट देखते हैं, उत्पत्ति कहां होती है इसकी, तो नेपाल, इंडोनेशिया और भारत। निश्चित है नेपाल वाले तीन मुखी रुद्राक्ष का नाम सबसे ज्यादा फेमस है, सबसे ज्यादा इसी की डिमांड है और सबसे ज्यादा आपको यही मिलता है। बाकी दूसरी जगह पे जो होता है कुछ छोटे आकार का, मध्यम आकार का या जो परफेक्ट मैचिंग है उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन दी बेस्ट आपको ये यहां से मिलेगा। दूसरा पॉइंट, इसका रूप कैसा होता है, लंबा होगा और इस पे तीन धारियां आपको देखने को मिलेगी। वो कैसी होगी वो भी आपको इसका जो डेमो होगा उसमें पूरी तरह से जानकारी मिल जाएगी। क्या क्या फायदे हैं इसको पहनने से, सबसे जरूरी चीज, क्योंकि किसी भी वीडियो को हम देखें या कोई भी रुद्राक्ष के बारे में जानकारी करें तो फायदे की सबसे पहले जानकारी होनी चाहिए कि यह हमारे शरीर के लिए किस प्रकार से फायदेमंद है। शरीर की अग्नि जब मंद हो जाए और कोई दवाई जो आप लेना चाहें पाचन से रिलेटेड और वो ना लगे, यानी जो आपका पाचन तंत्र है उसमें अगर गड़बड़ियां हैं तो कहीं ना कहीं उसमें अग्नि का रोल है, क्योंकि अग्नि मंद पड़ जाने पर पाचन सही समय पर नहीं हो पाता, या तो जल्दी जल्दी होता है या बहुत देर से होता है, तो वो हमारा डाइजेशन सिस्टम को पूरी तरह से डिफेक्ट कर देता है, उसमें असर डालता है। तो उससे होने वाली जो परेशानियां हैं उसको तीन मुखी रुद्राक्ष से ठीक किया जा सकता है। हिम्मत मिलती है, तेज हमारे चेहरे पे जिसकी कमी हो गई है वो है, अग्नि तत्व का जो बैलेंस है बॉडी में उससे ठीक होने में हमको फायदा मिलता है, बुरी लत से निकलने के लिए ये बहुत लाभकारी है, ब्लड और इससे संबंधित सभी विकार। दोस्तों ये कोई दवाई नहीं है, अगर आप इसको सोचें कि ये सारी चीजें हैं और इसको ले लें खाली तो शायद ठीक हो जाएंगे, नहीं, दवाई का रोल अपनी जगह पर है और इसका रोल अपनी जगह पर है। थोड़े परिणाम धीरे हो सकते हैं लेकिन लाइफ लॉन्ग होते हैं, ये आप सब जानते हैं क्योंकि ये ज्योतिषीय उपाय हैं। हम हमारे शरीर को इस अनुरूप कर लें कि कोई बीमारी हमें ना लगे, इसके लिए इन चीजों का सहारा लिया जाता है। बीमार है इसलिए इसको नहीं पहनना है, बीमार है इसलिए इसको पहन करके दो दिन में ठीक होने का सपना नहीं देखना है। ये चीजें इस प्रकार की है, ये आपको रक्षा कवच के जैसे काम करेगी। आज बीमार है तो उसके लिए दवाई लीजिए, इसके साथ में इसका उपयोग कीजिए, केवल इसके उपयोग से कभी भी कोई चीज ठीक नहीं होगी, ये सदैव ध्यान रखना है, क्योंकि यहां जो चीजें हैं उनका लाभ दीर्घकालिक है, लेकिन अभी हम अगर इसकी रूपरेखा बना के चलेंगे तो भविष्य में किसी भी प्रकार की समस्या हो उससे हमको लड़ने की एक ताकत मिलेगी। अगर हमारे साथ कोई कंधे से कंधा मिला के खड़ा है तो हमें शायद जल्दी से प्रॉब्लम ना आए, और आए तो उसके लिए हमारे पास में ये चीज मौजूद है। तो दोस्तों इस प्रकार से इसके फायदे हमें जीवन में लेने हैं या हम ले सकते हैं। चौथा पॉइंट, ज्योतिषीय फायदे क्या क्या हैं इसके, तो आइए देखते हैं। मंगल यदि कमजोर हो कुंडली में तो उसके लिए ये रामबाण है। राहु केतु के साथ में यदि मंगल दुर्योग में है, यानी जिसे हम अंगारक दोष कहते हैं, तो उसके लिए ये फायदेमंद है। मांगलिक दोष के दुष्प्रभाव यदि जीवन में आ रहे हैं, वैसे तो कई बार कैंसिलेशन भी होता है, आप देखेंगे मैं इसके ऊपर चैप्टर नंबर 94 बना चुका हूं, उसमें कैंसिलेशन के कई पॉइंट्स हैं, उन्हें जरूर ध्यान में रखिए। या मंगल नीच हो जाए, यानी कि चौथे नंबर की राशि में विराजमान हो जाए और उसका नीच भंग नहीं हो रहा हो, तो ये चीज बड़ी ध्यान देने लिए हो जाती है इस ज्योतिषीय मत से। कुंडली जागरण, ध्यान योग यदि हम करना चाहते हैं और कर नहीं पा रहे, या किसी प्रकार की समस्या है, हल्के से भी कमजोर पड़ रहे हैं, तो ये सारी चीज का एक ही इलाज है। अगर इस रुद्राक्ष को धारण किया जाता है तो कहीं ना कहीं हमें इस प्रॉब्लम से निपटने का एक बल मिलता है, एक हिम्मत मिलती है, जिसका आपको यहां पर
बड़ा फायदा है। तो दोस्तों ये है इसके ज्योतिष फायदे। अगर इसको ओवरऑल एक बात मैं कहना चाहूं या इसके लिए एक पॉइंट देना चाहूं तो वो ये है, आत्मबल और शक्तिवर्धक या शक्तिवर्धन, शारीरिक मानसिक और कहीं ना कहीं ऐसी हिम्मत जिसकी हमें बहुत ज्यादा जरूरत है। तो दोस्तों ये चीज इस प्रकार से हमारे जीवन में फायदेमंद है। देखते हैं पांचवा पॉइंट, कैसा दिखता है और कैसा बनेगा, तो उसके लिए ये इसका एक डेमो वीडियो देखिए। तो लीजिए देखते हैं आपके सामने ये रुद्राक्ष तीन मुखी, नेचुरल रुद्राक्ष, थ्री फेस, 1.92 ग्राम, बीड ब्राउन और नेचुरल तीन मुखी रुद्राक्ष, ये आपके सामने। कैसा होगा दोस्तों, बहुत आसानी से आप देख सकते हैं। तो ये है इसकी, आपको बताया था इसके अंदर अभी लंबा होगा और तीन धारियां इस पे देखने को मिलेगी। तो आप इधर से देख सकते हैं, एक दो और ये तीन। तो दोस्तों ये इस प्रकार से तीन मुखी रुद्राक्ष आपको यहां पर धारियां देख सकते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट धारियां। और धारियों पे इतना भी नहीं कि कोई बिल्कुल परफेक्ट धारी हो, क्योंकि ये सब कुछ नेचुरल है। एक दो और ये आपके सामने तीन। तो दोस्तों ये इस प्रकार से आप इसकी धारियां देख सकते हैं और ये पूरी तरह से तीन मुखी रुद्राक्ष, बिल्कुल नेचुरल देखने को मिलेगा आपको ये। अब कैसे बनता है तो ये एक इंपॉर्टेंट सवाल, ये आपको यहां पर अभी बताया जाएगा। ये देखिए, एक दो और ये तीन मुखी रुद्राक्ष, ये इस तरह से। दोस्तों कई बार देखा गया है कि जितना ये नेचुरल होगा इसके शेप आपको अंदर अंदर और भी अलग अलग देखने को मिलेंगे। देखिए आप इसकी कुछ भी डिजाइन को जो यहां है वो यहां नहीं देखेंगे और जो यहां है वो यहां नहीं देखेंगे। तो यही एक इसकी परफेक्ट चीज है, यही एक इसका परफेक्ट शेप है कि ये नेचुरल है। अच्छा देखिए इसको कैसे पहनना है, तो वो इसके लिए पिछली बार भी मैंने दो मुखी में एक चांदी की माला बताई थी, तो अभी मैंने उसमें एक आपके लिए एक नया एक्सपेरिमेंट किया है। अगर कई बार लोग ये वैसे जुड़ा हुआ ही आता है, लेकिन अगर आप चाहें तो इसके अंदर इसको इस प्रकार से भी इसका एक अच्छा कुंदा, मजबूत कुंदा जिसमें कुछ और भी हम शामिल कर सकते हैं, तो ये आप इसको इस प्रकार से एक बेहतरीन कुंदे के अंदर इसको लगवा सकते हैं। यानी थोड़ा फैशन और थोड़ा अध्यात्म और जो हम जो जानकारी चाह रहे हैं यानी जो जिस उद्देश्य से पहन रहे हैं वो सारी चीज़ें आपको इसके अंदर परफेक्टली मिलेगी। तो ये दोस्तों ये इस तरह से जब आपके गले में होगा तो एक गजब का लुक और गजब की चीज़ आपको ये देखने को मिलने वाली है। इसमें आप कोई सा भी रुद्राक्ष डाल सकते हैं, मतलब ये एक कॉमन चीज़ हो गई, दो मुखी, तीन मुखी, एक मुखी, जितना भी है। कई बार इन दोनों को इस रुद्राक्ष के अंदर ही शामिल कर दिया जाता है, तो वो एक अलग चीज़ है। लेकिन अगर आपका मन हो कि नहीं मुझे इस तरह से अगर पहनना है और इस तरह का डिज़ाइन आपके लिए होना चाहिए, तो दोस्तों ये एक बेहतरीन शानदार लुकिंग के साथ में जब चाहे तब इसको हटा भी सकते हैं और जब चाहे तब इसको केवल माला भी पहन सकते हैं या इसमें कुछ और पैंडल डालना हो तो वो भी। यानी मल्टीपर्पज आइटम, ये इकलौता कुंदा जो है ये मल्टीपर्पज रूप से आपको यहाँ पर बेनिफिट देगा। तो दोस्तों ये आपके लिए इस तरह से एक जबरदस्त रुद्राक्ष माला के साथ में तीन मुखी रुद्राक्ष। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये पूरी डेमो से आप समझ गए होंगे किस प्रकार से तीन मुखी है और किस प्रकार से तीन मुखी के फायदे हमको देखने को यहाँ पर मिलते हैं। तो ये रही इसकी पूरी डिटेल और अब कुछ आगे इसकी बाकी डिटेल्स उसको लीजिए, चलिए देखते हैं कुछ आगे की जानकारी। छठा पॉइंट है दोस्तों कब पहनना है। कब पहनना का मतलब शुक्ल पक्ष के सोमवार को प्रातः 9:15 सिद्ध किया हुआ तीन मुखी रुद्राक्ष धारण करना है। आप विशेष चीज ये देख लीजिए, शुक्ल पक्ष के सोमवार ही होने चाहिए और आपको एक महीने में दो ही सोमवार ऐसे देखने को मिलेंगे। मैं हिंदू कैलेंडर यानी हिंदू महीनों के हिसाब की बात कर रहा हूं, तो उसमें आपको ऐसे दो ही मिलेंगे, क्योंकि 30 दिन का हमारा जो समय होता है उसमें 15 दिन चढ़ता पक्ष यानी कि शुक्ल पक्ष और बाकी घटता पक्ष यानी कि कृष्ण पक्ष, तो ये दो होते हैं, इनमें दो दो सोमवार ही आपको मिलेंगे। कभी कभार तीन भी आ सकते हैं लेकिन ज्यादातर दो की ही कैलकुलेशन बैठती है, तो उनमें ही होगा। पहले सोमवार को ये सिद्ध होगा, दूसरे तक आप तक पहुंचेगा, तब आप इसको आराम से धारण कर सकते हैं। तो दोस्तों ये इस प्रकार से इसकी कैलकुलेशन है। अब देखते हैं सातवां पॉइंट जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है, इसका अति अनिवार्य रूप से जानना जरूरी है,
क्योंकि इसी पॉइंट में इस पूरे वीडियो का राज छुपा है। या आप ये मान सकते हैं कि आप जो जानना चाहते हैं वो उसका सबसे ज्यादा हिस्सा उस वीडियो उस पॉइंट में है। कौन पहन सकता है? तो दोस्तों कोई भी पहन सकता है, जिसको भी इस प्रकार की समस्या लगती है अनिवार्य रूप से धारण कर सकते हैं, क्योंकि रुद्राक्ष एक ऐसी चीज है जिसको पहनने के लिए पूछना नहीं पड़ता। लेकिन कुंडली अनुसार हम बात करते हैं तो सर्वाधिक फायदा भी उन्हें होता है जो इसके अनुसार इसे धारण करें। पहला और आठवां लग्न यानी मेष और वृश्चिक लग्न, जो कि मंगल के तत्व है, मंगल पूरी तरह से अग्नि तत्व है, उन लोगों को यह धारण करना चाहिए। यदि राशि भी है तो ये राशि के लोग भी इसे धारण कर सकते हैं। इस पर पूरी तरह से मंगल का प्रभाव है और कई बार नवा लग्न भी इसके अंदर शामिल हो जाता है, धनु लग्न, क्योंकि वो भी एक अग्नि तत्व लग्न है। लेकिन वो एक अलग कंडीशन है, अगर कुंडली अनुसार नजर आ रही है कि नवा लग्न भी धारण कर सकते हैं, वैसे तो कोई भी कर सकता है, लेकिन उसको भी इसके परिणाम बहुत आसानी से और जल्दी मिल सकते हैं। तो एक और आठ तो फाइनल है, नौ थोड़ा कंडीशनल है, और बाकी जिस किसी को भी ऐसी समस्या हो इसको धारण करके अपना इलाज उपचार जल्दी हमारी बॉडी पे लगे, इसका एक निराकरण यानी इसकी एक संभावना व्यक्त की जा सकती है। अब देखते हैं इसकी फाइनल बात, आठवां नंबर पॉइंट, विशेष सावधानियां, मांस मदिरा झूठ कपट से सदैव दूर रहना। यह पॉइंट बार बार डिस्कस करने की शायद आवश्यकता नहीं, मैं हर वीडियो में ये पॉइंट आपको लास्ट में जरूर बताऊंगा कि रुद्राक्ष धारण करने का फैसला तभी लें जब आप इन चीजों से दूर रह सकें, वरना किया कराया सब बेकार हो जाएगा, कोई भी मतलब नहीं निकलेगा। इसलिए अति अनिवार्य रूप से ये चीज ध्यान रखिए, क्योंकि हम सही करने या सही होने के लिए ये चीजें धारण कर रहे हैं, लेकिन साथ में ये चीजें भी रखेंगे कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं कि दवा और दारू दोनों का एक साथ प्रयोग कभी नहीं किया गया और ना ही किया जाना चाहिए, और जो लोग ये करते हैं आप जान सकते हैं फायदा तो उन्हें कुछ होगा नहीं, बल्कि साइड इफेक्ट या नुकसान के रूप में शारीरिक तकलीफ, मानसिक तकलीफ उन्हें हो सकती है। तो दोस्तों ये थी तीन मुखी रुद्राक्ष के बारे में पूरी जानकारी। कैसी लगती है, कितनी आपके लिए उपयोगी है, जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। और इसी के साथ में आज का आपके लिए कमेंट बॉक्स में एक प्रश्न यानी कमेंट कर सकते हैं आप उसके लिए, दो मुखी रुद्राक्ष पहनने के टाइमिंग क्या है, दो मुखी रुद्राक्ष पहनने का टाइमिंग यानी कब पहना जा सकता है, इसका आप जरूर जवाब बताइएगा जैसा भी आपको आता है। और इसी के साथ में ये वीडियो यहीं तक, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए लाइक सब्सक्राइबर कमेंट शेयर जो भी आप करते हैं बहुत बहुत उसका आपके लिए धन्यवाद, बहुत बहुत आपको धन्यवाद। ध्यान रखिए अपना, अपने परिवार का, अपनी समस्याओं को अपने पर हावी ना होने दें, जल्द से जल्द उनका ज्योतिषीय माध्यम से उपाय ढूंढें और अपनी जिंदगी जीने में, अपने सपनों को पूरा करने में कोई कमी ना रखें, कोई कसर ना छोड़ें। बाकी ये प्लेटफॉर्म आपके लिए है, समस्या जो है समाधान निश्चित उसका आपको मिलेगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।